आर यू रेडी गाइस नहटी सिटी काली पूजा उत्सव 2023 घूमने के लिए। तो आज के इस वीडियो में टॉप 8 फेमस पूजा मंडप थीम में लेकर आ चुका हूं, वो भी रेडी होने के बाद। नाइट व्यू, नाइट को कैसा लगता है, कहां कैसे जाना है, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सर्चिंग फॉर पास्ट यूट्यूब चैनल पे। टॉप 8 पूजा मंडप थीम दिखाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉप 8 जो मैं दिखा रहा हूं, ये बेहतरीन तरीके से कुछ छोटा छोटा क्लब बोल सकते हैं, छोटे छोटे थीम बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन बेहतरीन थीम है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े पूजा मंडप थीम हुआ है, बड़ा बड़ा क्लब करवाया है, उसके ऊपर डिटेल्स में एक एक पूरा वीडियो बनाया हूं जो कि अपलोड हो गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए टॉप 8 का पहला पूजा मंडप थीम शुरू करते हैं। सीधे स्क्रीन पे आप लोग देख, नहटी का ये सबसे फेमस पूजा मंडप थीम है न्यू स्टार क्लब। तो दोस्तों न्यू स्टार क्लब के तरफ से सोनार रथ, यानी कि सोना का गोल्डन कलर का जो ये रथ बनाया गया है, फ्रंट आप लोग फुटेज देख रहे हैं। तो दोस्तों सच में ये थीम देखकर बहुत ही गजब का फील होगा, इसको देखने जरूर जाइएगा। इसको देखने के लिए अगर आप लोग नहटी स्टेशन उतरते हैं तो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना होगा, ठीक डिज्नीलैंड आप लोगों को देखने मिलेगा। उसी डिज्नीलैंड का रास्ता पकड़ के सीधे पावर हाउस मोड़ आना है, पावर हाउस मोड़ से दाहिना बाया कहीं नहीं घूमना है, एकदम सीधे चलते रहना है लगभग 5 से 10 मिनट पैदल, और जैसे ही पैदल चलिएगा वैसे ही न्यू स्टार क्लब का पूजा आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टॉप 8 का सेकंड पूजा मंडप थीम न्यू स्टार। देखकर आप लोगों को ठीक उसी रास्ता से बैक 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 के तरफ आना है, बैक के तरफ पीछे, ठीक है पीछे के तरफ आना है। पीछे जैसे जैसे आइएगा ठीक एकदम आप लोगों का अभिजात्री क्लब क्रॉस व्रॉस होने के बाद उसी मेन रोड में एकदम स्टेट बैंक के सामने तारा मां संघ का एक बहुत ही खतरनाक थीम हो रहा है। थीम का नाम है ब्राजीलर आदिवासी थीम और शिल्पकथा। तो ब्राजील का आदिवासी का थीम यहां पर दर्शाया गया है। उसी रोड में ऊपर में ही बहुत बड़ा बड़ा करके देखिए ये गेट दिख जाएगा, बड़ा बड़ा एक फेस कटिंग का एक गेट दिखेगा, एकदम भव्य दिख रहा है आपको। इसी गेट से अंदर जो टूनी लाइट है उसका लाइटिंग का इफेक्ट देखते हुए हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे ही अंदर प्रवेश करने के बाद ये आप लोग सीधे अभी थीम देख पा रहे हैं। अच्छा हाइट है इस थीम का और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया है। इसको देखते देखते चलिए अब मंडप के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। जैसे ही मंडप के अंदर प्रवेश करते हैं और ये जो आप लोग बीच में जो पिलर देख रहे हैं ग्रीन कलर का, एक ऐसे हाथ निकाल के बता दूं इस कैक्टस बनाया गया है इसको, ठीक है इसको कैक्टस का रूप दिखाया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए ये मंडप का मेन गेट में देखिए दो साइड में हम लोग जैसे ही एंट्री करेंगे दो साइड में ये नारियल है, ओरिजिनल नारियल है दोस्तों, ओरिजिनल नारियल से दो साइड में डेकोरेट किया गया है। चलिए नारियल देखते हुए, फिलहाल तो खा नहीं सकते नहीं तो क्लब के मतलब बड़ी मार मारेंगे, तो जो भी हो नारियल देखने के बाद चलिए मंडप के अंदर चलते हैं। और सच में गाइस मंडप के अंदर का जो ये आप लोग सीन देख रहे हैं अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सीन है, बहुत बेहतरीन सीन है और बहुत कलाकारी है, बहुत काम है, बहुत कलाकारी भी किया गया है। तो चलिए अब अंत में माँ काली का दर्शन करते हैं और माँ काली का जो ये रूप आप लोग देख रहे हैं बेहतरीन रूप है, बेहतरीन रूप देखकर मन को मोहित कर लेने वाला ये रूप हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए तारा मां संघ के तरफ से 2023 का जो ये थीम बनाया गया है, ग्रेट सल्यूट है क्लब के सभी मेंबरों को। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं टॉप 8 का थर्ड पूजा मंडप थीम आखिर क्या होने वाला है। ऐसे ही इस थीम को देखकर ठीक आप लोगों को बैक के तरफ यानी कि पावर हाउस मोड़ के तरफ आना है। पावर हाउस मोड़ के तरफ जैसे आइएगा 29-7 का एक श्यामा माँ देखने मिलेगा, बहुत लंबा काली माँ, उसको दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। दर्शन करने के बाद आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ के पावर हाउस मोड़ से बायां तरफ सीधे लेना है गौरीपुर बर्दा ब्रिज के तरफ। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते के साथ यहाँ पर देखिए ये अग्रगामी क्लब के तरफ से यानी कि अग्रगामी संघ के तरफ से इस बार का आदिवासी के ऊपर ये थीम बनाया गया। फ्रंट गेट देखकर समझ में आ गया होगा, फ्रंट गेट से धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये रहा मंडप का मेन गेट। मंडप के मेन गेट से एंट्री करते हैं, अंदर में ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं आदिवासियों का पूरा सीन दर्शाया गया है। आदिवासी का यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं माताएं वो भी दर्शाया गया है जो गोद में बच्चे लेकर है, और जो लड़के होते हैं लड़के का भी सीन किस तरह से वो लोग तीर मार रहे हैं और कैसे जीवन यापन करते हैं वो सारा चीज़ दर्शाया गया है। अंत में चलिए ये मंडप देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं मंडप के भीतर और माँ काली का दर्शन करते हैं। तो माँ काली का ये रूप, माँ काली का ये भव्य दर्शन सच में ग्रेट है, बंगाल की ये संस्कृति जो हर एक उत्सव को बड़े ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। तो 4 पूजा मंडप की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ही टॉप 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बीच में काठगोला पड़ेगा, काठगोला का बहुत ही बड़ा भव्य रूप देखने मिलेगा एक पंडाल का, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ठीक उसको देख के आगे बढ़ेंगे दाहिने साइड से ही ओवरब्रिज आएगा, फ्लाईओवर भी बोल सकते हैं हम लोग, गौरीपुर बड़ा ब्रिज नाम है, नीचे रेलवे ट्रैक है, उसको पकड़ के एकदम नीचे उतरेंगे। नीचे उतरते के साथ ही अगर आप लोग दाहिना साइड जाते हैं तो बहुत बड़ा पूजा मंडप देखने मिलेगा, गौरीपुर चौमाथा का मीरा बगान मठ नाम है, नागरिक वृंदों के तरफ से बहुत बड़ा एक थीम बनाया गया है, उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब आप लोगों को बढ़ना कहाँ है, टॉप 8 देखने के लिए बाएं तरफ, बाएं तरफ बढ़ के 85 रूट और नहटी स्टेशन की तरफ पैदल चल पड़ना है, कम से कम 3 से 4 मिनट पैदल चलना है। जैसे ही पैदल चलिएगा सबसे फेमस पूजा मंडप थीम, ओल्डेस्ट पूजा मंडप थीम, जिसको देबू घोष के नाम से जाना जाता है, क्लब का नाम है गोपाल स्मृति संघ। तो गोपाल स्मृति संघ के तरफ से इस बार का जो थीम आप लोग देख रहे हैं, काल्पनिक खौरेर मंदिर बिचाली का कटिंग करके और भी बहुत सारे यूजेस का मटेरियल का यूज करके जो बनाया गया है, सच में एक ग्रेट सल्यूट है। ये फ्रंट फुटेज आप लोगों को पंडाल का दिखा रहा हूँ। तो चलिए पंडाल का फ्रंट फुटेज देखने के बाद अब मंडप के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। जैसे ही मंडप के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, मंडप के अंदर का जो ये सीन आप लोग देख रहे हैं, सच में गाइस अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सीन है। और बता दूं आप लोगों को, मंडप के अंदर में जो माँ काली का इतना सारा रूप विराजमान किया गया है, बता दूं इस रूप को कैसे बनाया गया है, तो टोकरी हम लोग बोलते हैं, टोकरी टोकरी से इस रूप को बनाया गया। और ये हर एक रूप माँ काली का अलग अलग रूप है। इसको देखने के बाद चलिए मंडप में जो माँ काली का ओरिजिनल जो रूप हम लोग बोलते हैं, जिसका पूजा किया जाएगा, अर्चना किया जाएगा, वो रूप आखिर कैसा है। देखिए देखकर तो मतलब मन मोहित कर लेने वाला ये माँ काली का रूप है। इसको देखकर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कल्याणी आईटीआई का माँ दुर्गा को लाकर यहाँ रख दिया गया है, वैसा ही है पूरा हूबहू, बस माँ काली का रूप है। तो चलिए देवू घोष के तरफ से यानी कि गोपाल स्मृति संघ के तरफ से काल्पनिक खौरेर मंदिर का जो इस बार का थीम था आप लोगों को दिखा दिया हूँ। ये थीम देखने के बाद अब कहाँ आगे बढ़ना है, उसी रोड को पकड़ते हुए सीधे हम लोगों को आना है कहाँ पर, पता है आप लोगों को, एकदम नहटी म्यूनिसिपैलिटी के एकदम नज़दीक आना है, बगल में सेंट लुक स्कूल का रास्ता मिलेगा। बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझ लीजिए, सेंट लुक स्कूल का वो रास्ता पकड़ के आप लोगों को आना है। सेंट लुक स्कूल से एकदम अपोजिट साइड आप लोगों को एक गली सीधा जाएगा, रेस्टोरेंट है, एक छोटा सा इंडियन गैस ऑफिस है, टूनी लाइट का पूरा गली में छावनी बोल सकते हैं, छावनी से डेकोरेट किया गया है। उसी रास्ता को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन टॉप 5 दिखाने से पहले टॉप 6 दिखा देता हूं आप लोगों को। टॉप 6 इसी गली में एकदम सामने में पड़ेगा, असुर थीम का नाम है, असुर असुर थीम को बनाया कौन है, सुभाष समिति। तो सुभाष समिति का असुर थीम का ये गेट देखिए, इस गेट से हम लोग जब अंदर गए ना, तो आप लोगों को बता दूं बहुत बड़ा एरिया था और पूरा घेरा हुआ एरिया है, और असुरों का पेंटिंग किया गया। माँ काली का भी रूप बड़ा ही भव्य है, असुरों का पेंटिंग जो किया गया है आप लोग देख रहे हैं, पूरा एकदम राउंड करके कैमरा में दिख रहा है क्या क्या डिजाइन असुर का किया गया है। इसके अलावा चलिए अब माँ काली का दर्शन करते हैं। आज समिति असुर का जो थीम है उसमें माँ काली का ये रूप बैठाया गया है, देखने में बड़ा ही भव्य है। चलिए इसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं, इसी रास्ता से बाहर निकल के जैसे ऐसे गली जा रहा है वैसे निकलना है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक मोड़ पड़ेगा, दाहिना साइड में गली और आप लोगों को केदारनाथ का एक थीम देखने मिलेगा। केदारनाथ का जो ये थीम बना है, ये थीम कहाँ पर बना है, पीके दास गली श्याम रोड कुमार संघो के तरफ से बनाया गया, जो आप लोग सीधे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये रहा केदारनाथ का फ्रंट सीन, फ्रंट गेट जो व्हाइट कलर का बनाया गया है, लेजर लाइट इफेक्ट ये लोग दिए हैं, बड़ा ही भव्य लग रहा है। मंडप के अंदर चलते हैं, मंडप के अंदर का जो दृश्य क्या ही बोलूं आप लोगों को, जैसे ही एंट्री करिएगा दो साइड में बहुत सारे फोटो फ्रेम दर्शाया गया है, फोटो फ्रेम में महादेव का बहुत सारा रूप दिखाया गया जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा रूप। तो चलिए फाइनली अब माँ काली का दर्शन करते हैं, मंडप के भीतर का दर्शन हम लोग कर लिए हैं। ये रहा माँ काली का रूप जो विराजमान किया गया है, तो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। दोस्तों ये जो कुमार संघों के तरफ से जो ये श्याम रोड में मंडप बनाया गया केदारनाथ को देख लिया, लेकिन केदारनाथ का थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट देख लेते हैं कैसा है। तो ये रहा लाइटिंग का डेकोरेशन, छोटा सा एक तालाब है उसमें कितना भव्य तरीके से देखिए लाइटिंग का इफेक्ट किया गया, बड़ा ही मस्त था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर थीम के पास, 7वां नंबर, टॉप 8 का 7वां नंबर थीम आखिर क्या है। 7वां नंबर थीम देखने के लिए आप लोग जब श्याम रोड में आइएगा, वहां से किसी से पूछिएगा ना, फेड़ी घाट जाना है। ठीक फेड़ी घाट के पास जैसे ही जाइएगा गंगा नदी दिखेगा, फेड़ी घाट के पास जाकर दाहिना साइड से स्वप्नोवृत्ति पार्क का रास्ता जाता है। ठीक स्वप्नोवृत्ति पार्क के रास्ता में आप लोग एंट्री कर लेना है, और केवड़ा पाड़ा के नाम से ये जगह विख्यात है। ठीक केवड़ा पाड़ा में आप लोग जाइएगा, सामने में ही सपनों का महल ये पंडाल देखने मिलेगा। आदि बंकिम संघ सपनों का महल इस बार बनाई है, जो कि देखने में देखिए फ्रंट कितना मस्त लग रहा है, सामने में भगवान नंदी को विराजमान किया गया है। चलिए सामने का तो सपनों का महल का फुटेज दिखा दिया हूँ, अंदर एंट्री लेते हैं। अंदर एंट्री सच में ये सपनों का महल ही है, बहुत ही भव्य सीन है अंदर का,
और माँ काली का रूप जो आप लोग देख रहे हैं विराजमान किया गया है, चलिए अपने आप में बहुत बेहतरीन है। अब इसको देखने के बाद टॉप एट का जो पूजा मंडप है लास्ट, इसी रोड को पकड़ के लीचू बागान के तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। लीचू बागान के तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लीचू बागान मार्ट में खोला मेला बहुत अच्छा थीम हुआ है, इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ अलग से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। इसी रास्ता को जो मार्ट है उधर निकलेगा और एक दाहिना निकलेगा, दाहिना नहीं जाना है, सीधा पकड़ के एकदम 85 रोड पे उठना है। 85 रोड से बायां तरफ सामने में आप लोगों को 8वां नंबर थीम देखने मिलेगा, जो कि भारत माता सेवा समिति संघ के तरफ से बनाया गया है और बुरो सिपतला क्लब इसका नाम है। इस बार का इसका जो थीम आप लोग देख रहे हैं बड़ा ही बहुत ही बेहतरीन थीम है, रेड कपड़ा बोल सकते हैं, और हम लोग टोकरी या फिर बांस का पतला पतला कंची से यूज करके बनाया गया है, लाइटिंग इफेक्ट दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन थीम है। कैसा लगा इनका थीम, चलिए अंत में माँ काली का आप दर्शन करते हैं। इनका ये थीम देखकर कमेंट करें कैसा लगा, अब टॉप 8 थीम कैसा लगा वो भी जरूर बताएं। तो चलिए आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नैहटी सिटी में कहाँ कहाँ कौन कौन सा पूजा हो रहा है बता दिया हूँ, बहुत सारे वीडियो अभी आना बाकी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।